हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिलीप मंडल ने कहा, जब मंगल पर जा रहे सैटेलाइट की दिशा यहीं से बैठकर बदली जा सकती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता। लंदन में कुछ एक्सपर्ट्स ने भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया है। वो भारतीय ईवीएम को हैक करेंगे और इस प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हैकर्स का कहना है कि भारतीय ईवीएम को हैक करना काफी आसान है। इस चैलेंज के बाद भारत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ईवीएम को बैन करने के लिए बैन ईवीएम नाम का ट्विटर पर हैशटैग शुरू किया है। उन्होंने इस हैशटैग के साथ लिखा, मंगल ग्रह या चांद को जा रहे सैटेलाइट को यहीं से बैठकर रिपेयर किया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। गौरतलब है कि 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर ईवीएम हैकिंग के मामलों के बाद से ईवीएम को बैन किए जाने की लगातार मांग उठ रही है। हालांकि इससे पहले भी ईवीएम को बैन किए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन यूपी चुनाव के बाद से इस मांग को बल मिला है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में कोलकाता में हुई विपक्ष की महारैली में भी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को बंद करने के लिए आवाज उठाई गई थी। महारैली में मौजूद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन कहते हुए चुनाव आयोग से इसे बैन करने की अपील की। इसके बाद विपक्ष ने इस पर एक समिति बनाई है, जिसमें पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हैं। ये समिति जल्द ही इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर सकती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।